नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा मेरी वजह से। कल मैं दोस्तों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, दो दिन से हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं आप सब लोगों से बात करूँ, गिल्लू के बारे में बताऊँ। लेकिन दोस्तों मैं भी भावनाओं में बह गया था, गिल्लू से इतना अटैच एकदम से, तो माफी चाहूंगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने, आप सबकी आंखों में भी आंसू आए, आप सब लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, प्यार दिया, हौसला दिया। ये नेचर है, नेचर का रूल है, आना जाना, सबको जाना है जो आया है। तो आप सब लोगों ने बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया। लेकिन दोस्तों भावनाओं में बह जाते हैं जब कोई अपना इस तरह से जाता है। बड़े से बड़ा इंसान ऐसे समय पे टूट जाता है जब कोई अपना, जिससे वो प्यार करता है, अटैचमेंट हो गई है, जिसके साथ फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं उसकी, तो ऐसा हो जाता है। दोस्तों मुझे आप सब लोगों ने बहुत हिम्मत दी, मुझे पता चला कि आप सब लोग कितना प्यार करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। दोस्तों हालांकि बीच में कुछ एक दो नेगेटिव कमेंट भी आए, तो वैसे दोस्तों मैं कमेंट का ज़्यादा इस तरह से ना ध्यान देता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है और मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। जो कुछ है दोस्तों मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। मैं दोस्तों ड्रामेबाजी क्यों करूँगा? दोस्तों गिल्लू के साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ गई थी, बिल्कुल छोटा बच्चा सा था मेरा और ऊपर से वो अपंग था। हालांकि दोस्तों इस समय हमारे देश में जो बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं, हजारों जीव जंतु मर रहे हैं, क्या मैं कभी रोया? दोस्तों जिसके साथ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, अटैचमेंट होती है, तो उसी के लिए आप, तो दोस्तों आप सब लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। बड़े से बड़ा इंसान टूट जाता है ऐसे समय पर। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण से समझाऊं तो, छोटी क्या, बहुत बड़ी उदाहरण है, रामानंद सागर जी की रामायण आपने सबने देखी होगी। तो जब श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ मिलकर बाली का वध किया, तो सुग्रीव अपने बड़े भाई का शरीर मृत्यु देखकर तो उनको बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगे। तो श्री राम जी ने उनको बहुत समझाया, हौसला दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में एकदम से ऐसा लगा कि मैंने अपने भाई का वध कर दिया और करवा दिया, बहुत दुख हुआ। और वो खुद कहने लगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजपाट ये सब, और मैं भी अपने भाई के साथ मरना चाहता हूँ। तो श्री राम जी ने उनको बहुत हौसला दिया कि ऐसा ही है कि तुम्हारा भाई गलत था। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे समय पर जब हमारे परिवार में से हमारा कोई जाता है, तो ये शमशान वैराग्य मन में आ जाता है। तो फिर सुग्रीव जी समझे, लेकिन जब बाद में आगे चलकर जब युद्ध हुआ रावण के साथ और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उनको बाण लगा, तो श्री राम जी खुद फूट फूट कर रोए। तो और सबने श्री राम जी को हौसला दिया। तो कोई भी हो दोस्तों, हमारे महादेव जब माता पार्वती अग्निकुंड में कूद गई थी, तो वो उनके मृत शरीर को, जले हुए शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया उन्होंने, वो भी खुद को नहीं रोक पाए, उनके भी आंसू निकले। तो दोस्तों मैं क्या चीज हूँ, मैं कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसको अकेला क्यों छोड़ा? दोस्तों बिल्कुल भी उसको अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारा पूरा परिवार नीचे बैठा हुआ था, नीरज थी और भी सब लोग थे, तो पेड़ पे इसलिए छोड़ा था। मेरा मकसद, मैं जो सोच रहा था सिर्फ ये था कि गिल्लू अपंग है, अपाइस है, तो ये थोड़ा पेड़ पे चढ़ता रहेगा तो इसके पैरों की प्रैक्टिस हो जाएगी, पता नहीं पैरों में जान आ जाए, चलने लगे। तो मैंने उसके लिए सेफ्टी के लिए पूरा नेट भी लगा दिया चारों तरफ, हालांकि वो नेट से निकलता नहीं था। लेकिन दोस्तों क्या कहें कि जब
यमराज भी यमराज जी लेने आ जाए तो आप चाहे कमरे में बंद हो तो फिर भी। बस यही था कि वो थोड़ा बहुत चलने लगेगा और तो सीख जाएगा, पर पेड़ों पे चढ़ना। तो उधर हमारे खेतों की तरफ आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं, तो उस तरफ छोड़ देंगे। वहाँ बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, तो वो अपने नेचुरल जीवन को जी लेगा। हम सारी जिंदगी उसको पिंजरे में कैद करके रखेंगे, तो एक उसके आने का मकसद है संसार में, अपनी उसकी नेचुरल लाइफ वो हम खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ ये था, अभी बारिश का मौसम था दोस्तों, और उसके शरीर पर जख्म भी हो गए थे, तो मैं कभी उधर लेके नहीं गया था उसको, लेकिन मैं ले जाने वाला था, और अभी बीच में थोड़ा खेतों में काम था तो टाइम नहीं मिला। लेकिन अकेला नहीं छोड़ा था उसको बिल्कुल भी, अगर अकेला छोड़ते तो नीरज कैसे देख लेती। एकदम से सारा मतलब सब लोगों का ध्यान रहता है कि, तभी उसने मुझे आवाज मारी एकदम से। मैं बाकी दोस्तों चलो क्या कहूँ दोस्तों, चलो जो हो गया परमात्मा की मर्जी थी। बाकी दोस्तों आप सब लोगों से मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया, मेरी फीलिंग्स को समझा। बाकी दोस्तों ये गिल्लू का आखिरी वीडियो है, वो हम सबसे मिलकर गया। वो मेरे साथ भी मेरे पीछे पीछे बहुत भागा, विधायक जी से मिला, चिकनू से मिला, बाबू से मिला। आप देखें उसके गिल्लू का ये आखिरी वीडियो। दोस्तों ये गिल्लू है, ये रूम में ओपन रहता है और ऐसे ही खेलता रहता है, और इसके जो पैरों पे सूजन सी हुई है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, रोज़ दवाई लगाता हूँ। ये वाली रोज़ दवाई लगती है दोस्तों, ये हमारे पंजाब से हमारे ही एक व्यूअर ने ये दवाई सजेस्ट की थी जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो गिल्लू के पैरों पे सुबह शाम ये दवाई लगाई जा रही है। विधायक जी केले निकालने जा गए। विधायक जी ये देखो गिल्लू। विधायक जी ओए दांत नहीं मारने हैं यार, तो दांत बहुत जल्दी मार देता है। ये थोड़ा परेशान रहता है, इसके शरीर ठीक नहीं है गिल्लू का, इसलिए। चिकनू उधर कहाँ घूम रहा है, इधर आ, पूरा पूरा ले जाओगे। चिकनू चिकनू ये देख गिल्लू, चिकनू ये देख गिल्लू। ओए कार मत काटना यार। कितनी जल्दी गया गिल्लू, तूने खाया कुछ? ये केलों की क्रेट में ही बैठ जाता है, क्या कह रहा है? चलो चलो अब घूमो नीचे, चलो हो गया। विनायक जी ले गए हैं 5-6 केले, खराब कर देंगे वो। टिल्लू है बाबू है उसको देते हैं। क्या हो गया? चल घूम ले तुम इधर ही। ले इधर घूम। विधायक जी खा लोगे इतने सारे? लाओ तो गिल्लू, तू कहाँ बाहर आ रहा है? अंदर है अंदर। अरे रे रे तू किधर आ रहा है? विधायक जी के पास मत आ। विधायक जी डर रहे हैं गिल्लू से।
लुक कहाँ मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, देखो देखो कितनी तेज भाग रहा है, थक गया बाबू। बिल्लू बिल्लू थक गया, अरे ये मत ले, ये खरा ये दूसरा ले ले, ये बेकार हो गया, ले ये ले बाबू।